नमस्कार, MP24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्र, किसान दीदी ब्लॉक संगठन बरघाट की अति महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रुक्मणी सनोड़िया ने बताया कि पिछले 28 दिसंबर को संगठन की आवश्यक बैठक दिल्ली में संपन्न हुई एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन जी से विभिन्न मांगों को लेकर, जैसे सम्मानजनक वेतन, पंचायत द्वारा तीन वर्ष में कृषक बदलना एवं नियमितीकरण जैसे विषयों का ज्ञापन दिया, परंतु केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कोई भी सम्मानजनक उत्तर नहीं दिया गया। अतः अब किसान मित्र एवं किसान दीदी आगामी 5 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे भारतवर्ष के लगभग 5 लाख किसान मित्र और किसान दीदी आंदोलन की राह में रामलीला मैदान पर इकट्ठे होंगे। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता संजय काढ़े के साथ। हम सबसे पहले बात करें संघ की। हमको संगठित होना है, संघ में रहना है, अपना तन मन धन सब संघ के लिए निछावर करना है। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम दिल्ली में गए और मैं इस वक्त खड़ा हूँ बरघाट पे, और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं किसान मित्र, किसान दीदी, किसान संघ के यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता है और सहकारिता समिति से भी जुड़े हमारे अशोक टेकाम जी भी हैं। आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब कुछ जानना चाहिए। अभी इन्होंने 28 दिसंबर को दिल्ली गए थे अपनी मांगों को लेकर, आइए इनसे जानते हैं। बताइए जी, आपका नाम? श्रीमती रुक्मणी सनोडिया, अखिल भारतीय किसान मित्र महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी दिल्ली आपका काफिला गया था क्षेत्र से, बरघाट सिवनी जिले से जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? अभी हम गए थे दिल्ली हमारी मांगों को लेके, और राधा मोहन जी से वहाँ मिले। हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं जी। प्रथम है हमारा मानदेय सम्मानजनक दिया जाए, दूसरा है प्रस्ताव ठहराव, और तीसरा है हमारा नियमित किया जाए, और चौथा पॉइंट है हमारा कि जो भी हमारे मतलब कि किसान मित्र बुजुर्ग हो गए हैं तो उनके परिवार से किसी व्यक्ति को लिया जाए जी। ऐसे 4 मांगे हैं हमारी, और राधा मोहन जी से हमारी वार्ता हुई तो ऐसा संतोषजनक हमको जवाब नहीं मिला, इसलिए आगामी 5 फरवरी को हम आंदोलन करने जा रहे हैं। कहाँ? दिल्ली। कहाँ करेंगे आंदोलन? जी दिल्ली। दिल्ली में कहाँ आंदोलन है आपका? नहीं नहीं, रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में? अच्छा अच्छा, तो कितने लोग पहुंचेंगे सिवनी जिले से? लगभग सिवनी जिले पूरे मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से पूरे 27,000 लोग से तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन 20,000 तो पक्का जाएंगे मध्य प्रदेश। और आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। ताकि राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री पद के दायित्व में अशोक टेकाम जी से जानना चाहेंगे, आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं बरघाट। टेकाम जी, क्या कहना चाहेंगे मित्र किसान संघ जो यहाँ पर बैठक में आपको आयोजित किया गया है, क्या बोलना चाहेंगे आप? आज हमारे बरघाट विकास खंड जी के जो किसान मित्र और किसान दीदी हैं जी, उनकी एक आवश्यक बैठक थी। उस बैठक में मुझे आमंत्रित किया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रुक्मणी सनोड़िया जी के द्वारा जी। मेरा इस बैठक में आगमन हुआ, उन्होंने संगठन के माध्यम से जो कृषि विभाग है हमारे जी, और आत्मा जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से जो किसानों के बीच में ये काम करते हैं, बड़ा सराहनीय काम है, और उनकी कुछ जायज मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के इनकी बैठ के चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री जी से भी इनका संपर्क हुआ है, भेंट हुई है। आने वाले समय में अभी फिर अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो इनका कहना है कि हम किसान मित्र संघ जो है उसके माध्यम से पूरे देश में गए, दिल्ली गए, पर अभी तक हमको कोई संतोषजनक सवाल जवाब मिला ही नहीं है। तो हम आगामी 5 फरवरी को पूरा जन आंदोलन लेके, पूरी महिलाओं को और पुरुषों को लेके, पूरे किसान मित्र किसान दीदी कम से कम 1 से 1.5 लाख की संख्या में रामलीला मैदान में जाके आंदोलन करेंगे। और इसके बाद भी अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, हमारी मांग पूरी नहीं की, तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई मांगों को पूरी नहीं की गई है। लेकिन अब हम अगली फरवरी को, 5 फरवरी को बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने वाले हैं। इसमें हमारी बहुत सारी जनसंख्या जाएगी और हम की सरकार को हमको किसान मित्र नहीं जिसे हालात बदल दे,
हम वो किसान मित्र नहीं जिसे हालात बदल दे, हम वो किसान मित्र महासंघ है जो हालात को बदल दे, जो हालात को बदल दे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये आज की है हमारी आवश्यक बैठक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रुक्मणी जी सनोड़िया के अध्यक्षता में संपन्न हुई, और आगामी 5 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारा जो उग्र आंदोलन की योजना जो बनाई गई है, इसके लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए थे। हम 5 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को अपनी मांग बनाने के लिए बाध्य करेंगे। मांग मनवाएंगे मतलब सरकार से आप? जी जी। क्या मांग मंगवाएंगे आप? हमारी जो मांग है कि हमें उचित मानदेय दिया जाए, एवं जो पंचायत द्वारा जो ठहराव प्रस्ताव है उसको बंद किया जाए, एवं हमारे जो किसान मित्र की जो ओवर एज होने के बाद में उसी के परिवार से किसान मित्र की नियुक्ति की जाए। ये मांगे हमारी जो केंद्रीय सरकार है, राधा मोहन जी हमारे कृषि मंत्री, राष्ट्रीय कृषि मंत्री, उनके सम्मुख हम ये विभिन्न मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन दिसंबर में। जी, मैं जयकिशन पटले जी विकासखंड बरघाट से आज के अध्यक्ष पद में जी। हम लोग 28 दिसंबर को जब दिल्ली गए थे, हमारी मांगों को लेकर राधा जी मोहन केंद्रीय कृषि मंत्री के पास में हम पहुंचे। लगभग हमारे लगभग 8-10 राज्यों से वहां पर हजारों की संख्या में हम पहुंचे थे, तो उनको जो हमने हमारा मांग लेटर दिया तो उस पर उन्होंने हमें संतुष्टजनक कोई जवाब नहीं दिया। अब हमें ये दिख रहा है कि हम 5 फरवरी को एक दिल्ली में महाविशाल आंदोलन करने जा रहे हैं। लगभग हमारे मध्य प्रदेश में 27,000 की संख्या है, तो ऐसा मानना है कि 29 सरकार और किसान की बीच की कड़ी हम लोग 1980 से किसान संघ का कार्य चल रहा है, लेकिन 2013 से इन्हें मानदेय मिल रहा है, और मानदेय मिल रहा है 500 रुपया। इनकी मांग है कि हमको 500 रुपये में हमारी एक बैठक में जाने में ही खर्च हो जाता है। सरकार से हमारी मांग है कि हमारा मानदेय हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि 28 दिसंबर को हम लोग यहाँ से आंदोलन करने दिल्ली गए थे और हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, और अभी हम दिल्ली कूच करेंगे 5 फरवरी को, जहाँ रामलीला मैदान में जन आंदोलन किया जाएगा, जहाँ 27,000 लोग मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, पूरे अगर देश में देखा जाए तो 4,00,000 लोग किसान संघ किसान दीदी से जुड़ चुके हैं। अब देखना है सरकार इनकी कितनी मांगे पूरी करती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पवार के साथ संजय काड़े, MP24 न्यूज़ बरघाट धारणा से।